जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें आज आपको हम जबल का पहाड़ दिखाएंगे। और ये देखें इधर अरबी लोग हैं जो वो सर्दी के मौसम में इधर आते हैं, और इधर रहने के लिए इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से घर बनाए हुए हैं ये देखें। और ये देखें इधर आने से पहले गाड़ी बहुत पीछे खड़ी करनी पड़ती है, वो देखें ये रेड कलर की जो गाड़ी खड़ी हुई है इस पर हम आए हैं। तो मैं आज आपको ये दिखा रहे हैं सब, ये देखें रहायशें, और ये मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ इसके नीचे भी रहायश है ये देखें। और सबसे बड़ी बात कि इधर एक पठान लोग है, लड़का है वो, तो वो अकेला ही इधर रहता है। ये देखें बहुत प्यारा सा जो सा ना इन्होंने ये बनाया हुआ अपने बैठने के लिए, डारा सा जिसे बोलते हैं, और ये बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह। और ये देखें अच्छा, ये सब इधर यूएई का जो सा ना रैसल खैमे का सबसे बड़ा पहाड़ ये देखें। और इसके ऊपर जाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है, कोई भी इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरह पहाड़ नहीं, इधर रेतला इलाका है। ये जो पहाड़ है वो भी अंदर से बहुत खाली हैं, खोखले से जिन्हें बोलते हैं, अंदर से खाली हैं। और ये देखें ये पास से इधर से तकरीबन 5-5 मिनट बाद एक गाड़ी गुज़रती है। और ये देखें ये बहुत कम लोग इधर से आते हैं, ये थोड़ा सा दूर है इधर से, ये भी शायद आपको नज़र आता हो। ये जो अरबी लोग हैं, जो सही अरबी लोग हैं, पुराने वाले जिन्हें बद्दू बोलते हैं, ये उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। और जो नए अरबी हैं उन्होंने तो अपने के घर बहुत आलीशान बनाए हुए हैं, उनके घर तो देखने वाले हैं वैसे भी। तो ये लोग हैं ये इधर रहते हैं, इनके घर काफ़ी दूर है, यानी कि शहर में है इधर रैसल खैमा में, यानी कि दूर दूर इधर से ही, लेकिन वो सर्दी में इंजॉय करने के लिए इधर आते हैं। ये देखें ये बहुत अच्छा सा इन्होंने ना अपना रहन सहन के लिए बनाया हुआ, और ये जनरेटर रखा हुआ इन्होंने, ये देखें इधर बिजली भी नहीं है। और तो ये जब आते हैं ये तब चलाते हैं, वैसे एक पठान है वो इधर रहता है, वो अपने लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाया हुआ होगा उसने। तो ये आज आपको ना हम दिखा रहे थे, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अगर अच्छी लगे तो। तो एक मेहरबानी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें हम आपके लिए इतनी इतनी दूर से आते हैं, ये पाकिस्तान थोड़ी है जिधर 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया गाड़ी का किराया लगेगा, इधर दिरहमों में बात होती है। तो ये सिर्फ़ आपके लिए हम ये इतना कुछ करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यही